नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे कि कपल्स को नेचुरल प्रेगनेंसी आने के क्या चांसेस रहते हैं, अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, और नेचुरल प्रेगनेंसी आने के लिए कितना समय तक रुकना चाहिए। तो कपल्स को नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस क्या रहते हैं, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है हम ये पता करें कि जब कोई कपल नेचुरली ट्राई कर रहा है तो चांसेस क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कपल में वाइफ़ का एज, अगर वाइफ़ का एज 30 से कम है, उनकी उम्र 30 से कम है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी आने के चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर वाइफ़ की उम्र 30 से ज़्यादा है तो आपके चांसेस कम हो सकते हैं। तो जो भी कपल यंग है, न्यूली मैरिड है, जो नियमित समय से सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे 2 से 3 टाइम हर हफ्ते में आप लोग संबंध बना पा रहे हो, तो चांसेस 10% के आसपास रहते हैं। तो ये चांसेस जैसे एज बढ़ेगी, स्पेशली वाइफ की एज बढ़ेगी, महिला की एज बढ़ेगी, वैसे ये चांसेस कम हो सकते हैं। और क्या क्या वजह से ये चांसेस कम हो सकते हैं, कि जैसे कोई महिला जिनके पीरियड्स इररेगुलर हो, जिसकी वजह अभी तक उनको मालूम नहीं हो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जिसके वजह से पीरियड्स इररेगुलर आ रहे हैं, तो उम्र 30 से अगर ज़्यादा है, अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, तो ये चांसेस कम हो सकते हैं। जैसे कि कपल में दोनों भी अगर सेहत उनकी अच्छी है, हेल्दी है, कोई भी डिसीज़ से फ्री है, तो चांसेस अच्छे रहेंगे, जो 10% के आसपास रहेंगे। तो हेल्थ अच्छे होने से क्या मतलब है, कि आप दोनों के वज़न जो है वो BMI जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 25 से कम या उसके आसपास हो, आप दोनों को कोई भी मेडिकल कंडीशन जैसे कि थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो, या आप दोनों को कोई भी ऐसे बीमारी, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस लाइक HIV, HBsAg, सिफिलिस, ऐसी कोई भी बीमारी आप दोनों को नहीं हो, या कोई भी रिपीटेड वजाइनल डिस्चार्ज या यूरिन इन्फेक्शन, जो बीमारियां इंटरकोर्स में हस्बैंड से वाइफ को या वाइफ से हस्बैंड को जा सकते हैं, ये दोनों से आप फ्री हो। तो जो भी कपल यंग है, न्यूली मैरिड है, जिनमें महिला की उम्र 30 से कम है, उनका वज़न नियर नॉर्मल है, उनको ये कोई भी हेल्थ कंडीशंस नहीं है, तो ऐसे कपल्स जब नियमित रूप से संबंध बनाते हैं, जैसे 2 से 3 टाइम हफ्ते में, तो उनके चांसेस 10% के आसपास रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने जब ऐसा कोई कपल नेचुरली ट्राई कर रहा है तो 10 में से एक कपल कंसीव करेगा। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो साल के अंत तक, मतलब ट्राइंग नेचुरली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 12 महीने तक जब आप लोग ट्राई करते हो, तो ऑलमोस्ट 80% कपल्स जो है, जो नॉर्मल है, वो कंसीव कर लेते हैं। तो 10% चांसेस होकर भी जो भी कपल्स नॉर्मल है, 80% एक साल तक ट्राई करने के बाद कंसीव कर लेते हैं। अब जो 20% बचे, वो 20% अगर जो बच जाते हैं, तो इसका मतलब ये है उनको कि क्या रीज़न है कि प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो आप सबसे पहले तो मैंने इस सवाल का जवाब दिया कि जब नेचुरली ट्राई करते हैं तो चांसेस क्या रहते हैं। तो चांसेस जो यंग कपल है, 30 से कम उम्र वाले हैं, और जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, उनमें रेगुलर इंटरकोर्स के बाद 10% रहेंगे। अगर आप एक साल तक ट्राई कर रहे हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आए, तो आपको जा करके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और दोनों का एक साथ जाँच होना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार ये देखा जाता है कि सिर्फ महिला के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ वाइफ के टेस्ट हो जाते हैं, जो ना कि जस्ट नॉर्मल टेस्ट, बट कभी कभी लैप्रोस्कोपी और या कोई इन्वेजिव टेस्ट, इतना तक के इलाज किया जाता है, लेकिन हस्बैंड का जो है सिमिन एनालिसिस भी नहीं किया जाता। तो काफ़ी बार ये मिस्टेक होती है कि सिर्फ वाइफ पे फोकस किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि कपल में दोनों का एक साथ टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो है रीज़न फाइंड आउट कर सके कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, और उस हिसाब से दोनों को हम लोग एक साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक साल तक रुकने के बाद आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जा करके दिखाना चाहिए। थैंक यू।